हाय फ्रेंड्स, नमस्ते गेम शो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिवाली हैक्स, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही सिंपल है। आप में से कोई भी इसे घर पे ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। और हाँ गाइज, अगर आपने इनमें से कोई भी हैक्स घर पे ट्राई किए ना, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ गाइज, अगर आपको ये वाली इयरिंग्स मेरी अच्छी लगी हो और आप दिवाली के लिए कोई सुंदर सस्ती एंड टिकाऊ ज्वेलरी देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ एक इंस्टाग्राम का पेज शेयर किया है, जिन्होंने मुझे एज ए दिवाली गिफ्ट बहुत सारी इयरिंग्स भेजी है और मैंने आपके साथ वो इंस्टा स्टोरी में शेयर की है। तो मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लेना। और दिवाली का ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे से वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इजी स्मोकी आई। तो उसके लिए आपको वाटरलाइन पे काजल अप्लाई करनी है और टॉप लैश लाइन पे अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको इस तरह से लैश लाइन के बहुत ही पास में अप्लाई करनी है, ताकि हमें खाली स्पेस ना दिखे। तो आप इसे रैंडमली अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम इसे स्मर्ज करने वाले हैं एक ब्रश की हेल्प से। दोस्तों याद रखें कि आपको क्रीज लाइन तक स्मर्ज नहीं करना है, सिर्फ आईलिड तक ही रखना है। उसके बाद हमने जो काजल अप्लाई की थी वाटरलाइन पे, इसे भी हम स्मज कर देंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद कोई भी आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेड ले लीजिए और इसे जहाँ पे काजल अप्लाई की है उसी जगह पे इसे अप्लाई कीजिए। और याद रखें कि हमें क्रीज लाइन पे इसे भी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आईलिड पे ही अप्लाई करना है। और शेड को थोड़ा थोड़ा सा लीजिए और ब्लेंड करते रहिए। उसके बाद हम इसे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो डार्क ब्राउन शेड है, उसकी हेल्प से मैं धीरे धीरे क्रीज पे इसे अप्लाई करूंगी। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा शेड लेना है, फिर से ब्लेंड करना है, फिर से शेड लेना है, फिर से ब्लेंड करना है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे से इसे ब्लेंड करते रहना है। उसके बाद में जो ये हाइलाइटर शेड है, इसे ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लूंगी और साथ में मैं इसे इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद आईलैश को कर्ल कर लूँगी और मस्कारा अप्लाई कर दूंगी। तो गाइज, ये हमारी बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल सी स्मोकी आई रेडी हो चुकी है। अब हम सेकेंड हैक देख लेंगे। गाइज, क्या हर दिवाली पे आप ऐसी सिंपल वाली लाइट ही यूज कर रहे हो? अगर आप 20 रुपये यूज करके ये लाइट में चेंज लाना चाहते हो, तो ये वाला हैक जरूर देखें। तो गाइज, इसके लिए आपको चाहिए ये छोटे छोटे से बॉल, जो मैं खिलौने की स्टोर से लाई हूँ और ये मुझे मिले हैं सिर्फ 20 रुपये में। आपके आसपास कहीं भी ये आपको इजीली मिल जाएंगे। दोस्तों आपको इसे एक चाकू की हेल्प से इस तरह से हॉल बनाना है। सारे बॉल्स में आप इस तरह से हॉल बना दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बॉल्स रेडी करके रखे हैं। इसके बाद हमने जो बॉल में हॉल बनाया है, उसके अंदर आप लाइट को इस तरह से डाल दीजिए। तो आप बॉल को सारी लाइट्स में ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से भी आप कर सकते हो। गाइस, मेरी जो लाइट है वो रेडी हो चुकी है, अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। आप इसे घर पे भी डेकोरेट कर सकते हो या फिर घर के बाहर भी कर सकते हो। गाइस, अगर आप ये लाइट को दूर से देखोगे ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई एक्सपेंसिव वाली लाइट जल रही है। नेक्स्ट हैक में हम ये ग्लास को डेकोरेट करने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको ये फेविकोल लेना है और ब्रश की हेल्प से आप इसे आधे ग्लास पे अप्लाई कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको करना है। ये अप्लाई हो जाने के बाद आपको ग्लिटर लेनी है। ये ग्लिटर मैंने 20-30 रुपये में ही ली है। उसके बाद हम इसे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने ये जो फेविकॉल लगाया है उसी जगह पे ये अप्लाई हो जाएगी, और जितनी एक्स्ट्रा इधर उधर लगी होगी वो निकल जाएगी। तो गैस, इसी तरह से मैंने सिल्वर ग्लिटर यूज़ करके ये दूसरा वाला ग्लास भी डेकोरेट कर लिया है। अब हम ये ग्लास के अंदर कैंडल को रख लेंगे और इसे जला लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका भी लुक कितना प्रीटी लग रहा है। आप इसे घर के बाहर या फिर आपके घर के टेबल पे इसे डेकोरेट करके रखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम नेक्स्ट हैक देखेंगे, और नेक्स्ट हैक में हम ये जो दिया होता है पुराना वाला, वो हम डेकोरेट करने वाला है।
तो गैस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फेविकोल लेना है और इस तरह से आपको पूरे दिए पे इसे अप्लाई कर देना है। तो मैं फटाफट से अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, सिंपल तरीके से ही अप्लाई करना है। उसके बाद जो ग्लिटर थी ना, वो ग्लिटर हम इस पे चिपका देंगे, जिस तरह से हमने ग्लास पे चिपकाई थी ना, उसी तरह से हमें इसे इस पर भी चिपकानी है। तो मैं सिल्वर ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये जो बिंदी आती है ना सिंपल वाली, वो मैंने अप्लाई की है और उसके ऊपर मैंने नेल पेंट अप्लाई की है। आप आपके पसंद की कोई भी नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप दो कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे मोती चिपकाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इस तरह से ग्लू अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद जो छोटे वाले मोती होते हैं ना, तो ये बिंदी के ऊपर हम इसे चिपका लेंगे। तो ये हमारा दिया भी रेडी हो चुका है। और गैस उसी तरह से मैंने दूसरी ग्लिटर यूज़ करके दिया रेडी किया है और मैंने सिर्फ इस पे मोती ही चिपकाए हैं, बिंदी नहीं चिपकाई है। तो देखा ना गाइस, ये भी बहुत इजी है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। रात के टाइम तो ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमने इस पे ग्लिटर अप्लाई किया है। मेरे नेक्स्ट हैक में हम देखेंगे कि गाइस अगर आपके पास रंगोली बनाने के लिए ये जो पेन होती है वो नहीं है, तो हम इसे घर पे ही बनाएंगे। तो उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल में इस तरह से मैट को कट करना है। आप इसकी जगह पे कागज़ का भी यूज़ कर सकते हो। और इसका हम कोन बनाएंगे, जैसे मेहंदी का कोन होता है ना, उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। और याद रखें कि हमें ज़्यादा स्पेस छोड़नी है, जहाँ से हमारी जो रंगोली बाहर आएगी ना, उस जगह पर हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़नी है। उसके बाद हम इस पर टेप लगा देंगे। तो गाइज ये हमारा बहुत ही इजी सा रंगोली कोन रेडी हो चुका है। अब हम रंगोली बनाना सीखेंगे। गाइज अगर आपको भी रंगोली बनाना नहीं आता है तो ये वाला हैक आपके लिए परफेक्ट है। गाइज इस तरह से सबसे पहले आप डॉट कर लीजिए, आपका पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए और जो मैंने कोन बनाया था ना, उसकी हेल्प से आपको इस तरह से एक फ्लावर टाइप बनाना है। उसके बाद आप एक ईयरबड की हेल्प से राउंड कर लीजिए और आपके नेल की हेल्प से आप इस तरह से फ्लावर क्रिएट कीजिए। उसके बाद फ्लावर के अंदर हम एक दूसरा वाला कलर भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद गैस आपको थोड़े बड़े बड़े से डॉट बनाना है। इस तरह से आपकी कोई भी पसंद के कलर ले लीजिए, मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद आपको इसमें भी गड्ढे बनाने हैं इस तरह से ईयरबड की हेल्प से, आप आपके फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी हम दूसरा वाला कलर फिल कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरा कलर यूज़ करके इस तरह से फ्लावर बना लीजिए और इसमें भी हमें ऐसे गड्ढे बनाने हैं। तो आप इसी तरह से करते जाइए। तो ये हमारी बहुत ही इजी एंड सिंपल सी रंगोली भी रेडी हो चुकी है। अगर आपका ड्राइंग भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बकवास है तो आप ऐसे सिंपल वाली रंगोली क्रिएट कर सकते हो और एक दिया रख दीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब आज के लास्ट वाले हैक में हम देखने वाले हैं दिवाली की मिठाई बनाना। तो हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फी। तो उसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच घी ऐड करना है और इसमें आप 2 कप बेसन ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। गैस तब तक मिक्स करना है जब तक इसका हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए और ये जो घी है ना, वो थोड़ा सा अलग होता जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप समझ जाना कि ये हो चुका है। तो इसे थोड़े टाइम के लिए साइड पर रख लीजिए। एक बर्तन ले लीजिए और इसमें आप 1 कप पानी ऐड कर लीजिए और 1 कप चीनी ऐड कर लीजिए। इसे हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। आप 5 मिनट तक इसे गर्म कीजिए। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो हनी होता है ना, उसी तरह का आपको दिखेगा। तो समझ जाना कि ये हो चुका है। उसके बाद हम ये दोनों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फिर से हम इसे हिलाएंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हम इसे 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूंगी और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो ऐड करूंगी। तो मैं थोड़े से पिस्ता ऐड कर रही हूँ और बादाम ऐड कर रही हूँ। आप आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं एक प्लेट ले लूँगी और इसके अंदर इस तरह से घी को अप्लाई करूँगी और हमने जो बर्फी बनाया है ना, हम इसे इसमें निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हम इसमें इसे दबाएंगे। दब जाने के बाद मैं फिर से इस पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम 1 घंटे तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, उसकी हेल्प से हम इसे कट करेंगे। आप चाकू का यूज़ भी कर सकते हो। ये जो बेसन की बर्फी है ना, बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखना। अगर आपको स्वीट पसंद है ना, तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। गाइस आप इनमें से कोई भी हैक्स ट्राई करो तो इंस्टाग्राम पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।